हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट मी इन्फॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार बुक की समरी को। जी हाँ, ये बुक है द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग और बहुत पॉपुलर बुक है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी डेस्टिनी को फॉलो करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बुक एकदम परफेक्ट चॉइस है। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक की समरी को। एक्चुअली ये जो स्टोरी है वो एक स्पैनिश लड़के की है जिसका नाम है सेंटियागो, जो कि एक चरवाहा है, यानी भेड़ चराने वाला है। कहानी शुरू होती है एक पुराने से चर्च से जिसकी छत टूटी हुई है और वहाँ पर एक सिकमोर उग चुका है। सिकमोर एक पेड़ होता है, तो सिकमोर का एक पेड़ उस चर्च के अंदर उग चुका है। उस चर्च के अंदर ये लड़का यानी सेंटियागो अपनी भेड़ों के साथ रात को रुकने का डिसीजन लेता है। जैसे कैसे करके उसकी जो भेड़ें हैं वो टूटे हुए गेट में से अंदर चली जाती हैं और ये लड़का जो है वहाँ पर उस सिकमोर के नीचे यानी उस पेड़ के नीचे थोड़ी सी सफाई करके खुद सोने का प्लान करता है और अपनी बुक को पिलो की तरह यूज़ करके सो जाता है। ये लड़का अपने साथ बुक रखता है क्योंकि इसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। अब जब ये सोया हुआ होता है तो सुबह होने से पहले ही इसकी आँख खुल जाती है और ये झुंझला कर उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसने एक सपना देखा होता है। उस सपने में ये देखता क्या है? उस सपने में ये देखता है कि एक छोटा सा बच्चा है जो इसका हाथ पकड़कर, सेंटियागो का हाथ पकड़कर इसको इजिप्ट के पिरामिड्स के पास ले जाता है और वहाँ जाकर इससे बोलता है कि यहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। और जैसे ही वो बच्चा इसको एग्जैक्ट पोजीशन खजाने की बताने वाला होता है, वैसे ही इसकी आँख खुल जाती हैं। और ये सपना इसको पहली बार नहीं आया था, ये सपना इसको पहले भी 2-3 बार आ चुका था। हमेशा इसके साथ ऐसा ही होता है कि इसको जो खजाने की एग्जैक्ट पोजीशन है वो पता नहीं चल पाती। इसी वजह से ये झुंझला कर उठता है, अपनी भेड़ों को उठाता है और अपनी जर्नी पर चल देता है। अब ये जा कहाँ रहा है? ये जा रहा होता है एक पड़ोस के ही गांव में जहाँ पर ये 1 साल पहले आया था और वहाँ इसको एक लड़की मिली थी जिसने इससे बातें की थी और इसको उससे बातें करके काफ़ी अच्छा लगा था। क्योंकि नॉर्मली इसके साथ क्या होता है, ये ज़्यादातर टाइम या तो अपनी शिप्स के साथ बिताता है या फिर बुक्स के साथ। तो शिप से ये बातें करता है, इसको लगता है कि जो इसकी भेड़ें हैं वो इसकी सारी बातें समझती हैं। लेकिन उस लड़की से बात करके इसको बहुत डिफरेंट और एक प्लेजर वाली फीलिंग आई थी जिसको ये रिपीट करना चाहता था, इसीलिए ये एक्साइटेड था दोबारा से उस लड़की से मिलने के लिए। अब ये याद करता है कि जब ये पिछली बार उससे मिला था तो क्या हुआ था। ये याद करता है कि ये उस लड़की के फादर की शॉप पर अपनी भेड़ों की जो ऊन है वो बेचने के लिए गया था और वहाँ पर उन्होंने इसको 2 घंटे वेट करने के लिए कहा था। जिन 2 घंटे में इसने सोचा कि मैं बैठकर बुक पढ़ लूँ, तो इसको जब ये बुक पढ़ रहा था तो इसको पीछे से आवाज़ आती है एक लड़की की जो बोलती है कि मैंने कभी चरवाहों को, शेफर्ड्स को मैंने कभी बुक्स पढ़ते हुए नहीं देखा, और तुमने पढ़ना कैसे सीखा? वो लड़की इससे पूछती है। ये जवाब देता है कि मैंने पढ़ना वैसे ही सीखा जैसे सब सीखते हैं स्कूल में। वो लड़की पूछती है कि अगर तुम पढ़ सकते हो तो तुम चरवाहे क्यों बने? जवाब में ये लड़का बहुत धीरे से मटरिंग करता है, मीन्स अपने मुंह में ही कुछ बहुत धीरे से बोलता है जो उस लड़की तक नहीं पहुंच पाता और ये जवाब देने से बच जाता है। ये जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि इसको लगता है कि वो लड़की इसकी बात को कभी समझ नहीं पाएगी। एक्चुअली इसके साथ हुआ क्या था, ये एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था, इसके पेरेंट्स जो हैं वो गरीब होते हैं और ये एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है। इसके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये प्रीस्ट बने, लेकिन इसका एक पैशन था, वो था ट्रैवलिंग का। ये हमेशा से ही ट्रैवल करना चाहता था, ये चाहता था कि मैं दुनिया देखूं। और एक दिन ये हिम्मत करके अपने पापा से बोल देता है कि मैं प्रीस्ट नहीं बनना चाहता, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। इसके पापा कहते हैं कि हम इतने अमीर नहीं हैं कि तुम्हें दुनिया दिखा सकें, तुम्हें दूर दूर तक भेज सकें ट्रैवलिंग के लिए। हमारी कम्युनिटी में जो लोग ट्रैवल कर सकते हैं वो सिर्फ चरवाहे ही हैं, तो तुम्हें चरवाहा ही बनना होगा। ये कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसके पापा इसको अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसे देते हैं जिससे ये भेड़ खरीद सके और ये चरवाहा बन जाता है, लेकिन किताबें पढ़ना इसको पसंद है। तो ये सब बातें ये याद कर रहा होता है कि मैं जब उस लड़की से मिला था
तो ये सब बातें हमारे बीच में हुई थी। फिर जब ये रास्ते में होता है तो ये सोचता है अपने ड्रीम के बारे में, जो सपना इसको रात को आया था, और ये सोचता है, इसको याद आता है कि एक लेडी है पास के ही गांव में जो कि ड्रीम्स को इंटरप्रेट करती है, मतलब कि सपनों का मतलब समझाती है। ये सोचता है कि क्यों ना मैं जाकर उस लेडी से मिलूं और उससे पूछूं कि मुझे बार बार इस आने वाले सपने का मतलब क्या है। और ये वैसा ही करता है, ये उस लेडी के पास जाता है, उससे पूछता है कि मुझे बार बार ऐसा सपना आता है तो इस सपने का क्या मतलब है। वो लेडी इसको बोलती है कि मैं तुम्हें इसका मतलब तो बता दूंगी, लेकिन तुम्हें करना ये होगा कि तुम्हें जो खजाना मिलने वाला है उसका 1/3 यानी 1/3 हिस्सा मुझे देना होगा। ये लड़का अपने मन में सोचता है कि ये तो एक सपना है, मुझे तो कोई खजाना वजाना मिलने नहीं वाला और इसको भी 1/3 पैसे मुझे नहीं देने पड़ेंगे, तो मैं इससे मतलब पूछ ही लेता हूँ, मतलब मुझे तो ये फ्री में ही पड़ गया। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1/3 दे दूंगा, तुम मुझे इसका मतलब बताओ। तो वो लेडी इसको बताती है कि मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे इस सपने के हिसाब से तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारे लिए सच में कोई खजाना है। ये लड़का सोचता है कि ये लेडी जो है बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और ये वहाँ से चला जाता है। जाकर ये किताब पढ़ना शुरू करता है एक जगह बैठ कर, और जिस बुक को ये पढ़ रहा होता है तो वहाँ पर इसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। वो बूढ़ा आदमी इसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसके साथ बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। वो बूढ़ा आदमी इसको बोलता है कि तुम ये जो बुक पढ़ रहे हो, इसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ लिखा हुआ है। वो झूठ क्या है? वो झूठ ये होता है कि हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमारे बस में कुछ भी नहीं होता और हम चाहकर भी अपनी डेस्टिनी को फॉलो नहीं कर सकते। वो कहता है कि ऐसा हमारी लाइफ में कभी नहीं होता कि हमारे पास ऑप्शन ना हो कि हम अपने डेस्टिनी को फॉलो करें। फिर वो बूढ़ा आदमी इससे इसी के सपने के बारे में बात करता है, कहता है कि मुझे पता है तुम्हें ऐसा खजाने वाला सपना आता है और मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी को, यानी तुम्हें उस खजाने का पीछा करना चाहिए, तुम्हें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए उस खजाने को ढूंढने की। ये लड़का सोचता है कि ये आदमी ज़रूर उस लेडी से मिला हुआ है और इसीलिए ये यहाँ आकर मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। फिर ये दोनों जब थोड़ी सी और बात करते हैं तो इसको पता लगता है कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो एक जगह का राजा है, और वो इसको बोलता है कि अगर तुम मुझे अपनी शिप्स में से 1/3 अपनी शिप्स का दे देते हो, तो सेंटियागो इसको बोलता है कि अगर ऐसा ही है, मुझे सच में खजाना मिलने वाला है, तो आप एक काम कीजिए, मेरे खजाने का ही 1/3 ले लीजिएगा। तो ये जो राजा है ये उसको बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें कभी भी उस चीज़ का प्रॉमिस नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। ये वो जो राजा होता है वो इसको बोलता है कि हम कल इसी समय यहाँ पर मिलेंगे और तब तुम मुझे बताना कि तुम्हारा डिसीजन क्या है। ये लड़का सोचता है कि क्या मैं शेफर्ड ही बना रहूँ या फिर मुझे अपने सपने को चेज करना चाहिए, और ये एट लास्ट डिसीजन ले लेता है कि मैं जो है ये भेड़ बेच कर और अपने सपने की तरफ, यानी इजिप्ट की तरफ चलूँगा। ये लड़का अगले दिन उस राजा से मिलता है और उसको बताता है कि मैं जो है अपनी डेस्टिनी फॉलो करना चाहता हूँ। वो राजा इससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, और वो जो है इसको अपने कवच में से 2 पत्थर निकाल कर देता है, एक वाइट और एक ब्लैक। एक पत्थर का नाम उरीम होता है और एक का नाम होता है थूमीम। वो राजा इसको बोलता है कि तुम अगर अपनी डेस्टिनी को फॉलो करना चाहते हो और सच में अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ईश्वर के दिए हुए संकेतों को समझकर रास्ते में आगे बढ़ते जाना है, और पूरी दुनिया की जो किस्मत है वो एक ही हाथ ने लिखी है, और ये जो पूरा यूनिवर्स है ये एक ही है। अगर कोई भी इस यूनिवर्स के अंदर अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करता है तो पूरा यूनिवर्स उसकी हेल्प करने के लिए कंस्पायर करता है, यानी उसको उसका सपना पूरा करने के लिए साजिश रचता है। ये राजा उसको बोलता है कि मैंने ये जो पत्थर तुम्हें दिए हैं ये तुम्हें डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। जब भी तुम्हें हाँ या ना में डिसीजन चाहिए हो तो तुम इन पत्थर में से बिना देखे किसी भी एक को निकालना। अगर तुम्हारे हाथ में वाइट आए तो मतलब हाँ है, अगर ब्लैक आए तो मतलब ना है। ये सब बातें सुनकर ये लड़का चल देता है अफ्रीका की तरफ, जहाँ से इसको इजिप्ट जाना था। अब ये जब अफ्रीका में पहुँचता है तो वहाँ पर जाकर ये एक बार के अंदर बैठा हुआ होता है, और ये वहाँ की भाषा भी नहीं जानता। इसको इसलिए वहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग आ रही होती है, ये बिल्कुल अकेला फील कर रहा होता है। तभी इसके कंधे पर इसको एक हाथ महसूस होता है,
और ये देखता है कि एक लड़का होता है जो इसी की उम्र का है और वो स्पेनिश में इससे बात करता है। ये उस लड़के को अपना दोस्त बना लेता है, सोचता है कि ये मेरा दोस्त है, और फिर उसको अपना ट्रैवल गाइड बनाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे गाइड बनोगे? वो लड़का मान जाता है और इसे कहता है कि वहाँ जाने के लिए हमें डेजर्ट पार करना होगा और डेजर्ट पार करने के लिए हमें ज़रूरत होगी ऊँटों की, जो मैं तुम्हें एक मेले में से दिलाकर लाता हूँ। ये वो लड़का इससे बोलता है कि पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी कि तुम इजिप्ट तक जा सको या नहीं। ये उसको सेंटियागो उसको अपने पैसे दिखाता है और वो लड़का इसके हाथ में से सारे पैसे अपने हाथ में ले लेता है और इसको मेले में लेकर चला जाता है। सेंटियागो चाहकर भी इससे वो पैसे वापस नहीं ले पाता, इसको लगता है कि इसके दोस्त को बुरा लगेगा। लेकिन होता क्या है, मेले में जाकर वो लड़का फरार हो जाता है, उसका कुछ पता नहीं चलता इसको, और इसके पास बाद में कुछ भी नहीं बचता, ना इसके पैसे बचते हैं ना अब इसके पास भेड़ हैं, और ये बिल्कुल अकेला फील करता है। इसको रोना आता है, ये चाहता है कि ये रोए। फिर इसको राजा की बात याद आती है, ये सोचता है कि राजा ने कहा था कि पूरा यूनिवर्स एक ही हाथ ने लिखा है, सबकी किस्मत एक ही हाथ ने लिखी है, और मेरे साथ भी ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। फिर ये लड़का क्या करता है, सोचता है कि मैं अपने सपने को छोड़कर फ़िलहाल मुझे ये चाहिए कि मैं किसी तरह गुजारा कर सकूं, तो ये एक क्रिस्टल की शॉप पर नौकरी करने लग जाता है। और इसके बाद कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।